लेसन वन की अभ्यास देखो। भाषा किसे कहते हैं? भाषा विचारों और भावों के आदान प्रदान का माध्यम है। नंबर टू, भाषा के कितने रूप होते हैं? नाम लिखिए। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। क्वेश्चन थ्री, लिखित भाषा और मौखिक भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं और दूसरा पढ़कर उसे समझता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं, जैसे अखबार पढ़कर समझना, रामायण पढ़कर समझना आदि। तो लिखित भाषा में लिखना और पढ़ना आता है। वैसे ही मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों से कहते हैं और दूसरा सुनकर उसे समझता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं, जैसे शिक्षक का बोलकर पढ़ाना, छात्रों का सुनकर समझना आदि। लिपि किसे कहते हैं? वर्णों या अक्षरों को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। क्वेश्चन फाइव, व्याकरण किसे कहते हैं? जिससे हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। क्वेश्चन सिक्स, हिंदी और संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आंसर, हिंदी और संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन सेवन, पांच राज्यों के नाम लिखे जहां हिंदी भाषा बोली जाती है। आंसर, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में हिंदी भाषा बोली जाती